एसएनसी ने वर्ल्ड के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म बलमा डेयरिंग बाज शीघ्र ही सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इसकी जानकारी फिल्म बलमा डेयरिंग बाज के निर्माता सोनालिका कुमारी और निर्माता शरद पाटिल ने दी है। उनकी माने तो ये फिल्म बुराई और अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए सिने प्रेमियों के फुल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें अभिनेता शुभम तिवारी, सोनालिका कुमारी और रियाज खान मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो वही फिल्म का ट्रेलर में साउथ का टच भी देखने को मिलता है। खासकर शुभम तिवारी का लुक साउथ इंडस्ट्री के अभिनेताओं जैसा है। वहीं फिल्म बलमा डेयरिंग बाज के बारे में फिल्म के लेखक और निर्देशक जावेद हाशमी का कहना है कि ये बेजोड़ कहानी वाली फिल्म है जो दर्शकों को बहुत प्रभावित करेगी। फिल्म बलमा डेयरिंग बाज का निर्माण तकनीकी रूप से बड़े पैमाने पर किया गया है। ये फिल्म एक्शन, इमोशनल, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ड्रामा से भरपूर है। मनोरंजन ही नहीं, भोजपुरी सिनेमा के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए निर्मित की गई है। उन्होंने बताया है कि इस फिल्म का ट्रेलर म्यूजिक कंपनी नव भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। इससे हमें पूरा भरोसा है कि फिल्म भोजपुरिया दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है। बता दें कि फिल्म बलमा डेयरिंग बाज के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं। फिल्म के संगीतकार के रत्नेश मिश्रा और गीतकार अजाज सिंह हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।